मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि बीजेपी राज्य में पांचवी बार सरकार बनाएगी। दरअसल सीहोर जिले में अपने गृह क्षेत्र बूढ़नी में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम चौहान ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से प्रयास किए हैं और लाडली बहनों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया है। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को हुए थे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं सीएम चौहान के नेतृत्व वाली राज्य बीजेपी सरकार ने सबसे पहले इस साल मार्च में लाडली बहना योजना की घोषणा की, जिसके तहत पात्र महिलाओं को अब 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं और जून से वित्तीय सहायता का वितरण शुरू किया गया। गौरतलब है कि बीजेपी ने इससे पहले राज्य में 2003, 2008, 2013 और 2020 में सरकार बनाई थी। वहीं इस पर सीएम चौहान ने कहा कि बीजेपी 3 दिसंबर को एमपी में पांचवी बार सरकार बनाएगी। सीएम चौहान ने आगे कहा कि सरकार बनाने को लेकर कोई संदेह नहीं है। कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और लाडली बहनों ने सभी कांटे दूर कर दी है। सीएम ने आगे कहा कि लोग राज्य में बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसे आशीर्वाद देंगे।